वन मिनट मैम, जाना चाहूंगा जो कंट्री क्लब का ये जो बैसाखी का प्रोग्राम है, कंट्री क्लब मेरे लिए अभी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, इट्स अ वेरी पर्सनल फैमिली लाइक एसोसिएशन. आज 10 साल के ऊपर हो गए हैं, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द ब्रांड कंट्री क्लब एंड आई फील इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और मुझे आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इतने लंबे समय तक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक लार्जली बिकॉज नाउ इट्स नॉट प्रोफेशनल, इट्स लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप विद देम. आज की तारीख में कंट्री क्लब के 4 लाख से ज़्यादा मेम्बर्स हैं. जब मैंने शुरुआत की थी देवर अ फ्यू थाउजेंड मेम्बर्स और मुझे इतने ज़्यादा मौके दिए हैं मिस्टर राजीव रेड्डी ने टू इंटरेक्ट विद द मेम्बर्स. आई थिंक एटलीस्ट 2-3 लाख से तो मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. दे ट्रीट यू लाइक वन ऑफ देयर ओन, लाइक फैमिली. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लाइक अ रियली फैमिली पर्सन. तो एंड कंट्री क्लब ऑलवेज सेलिब्रेट्स एवरी ओकेजन, मेड बी न्यू ईयर्स, वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, बैसाखी, होली, नवरात्रि. तो हमें भी बहुत मौके मिलते हैं मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करने के. सो इट्स ग्रेट. मैम, इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आप ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, मतलब मीडिया इंटरेक्शन. या कहना चाहेंगी कि इतना लंबा जो गैप हुआ 2003 में आई थी आप जी, उसके बाद 15-16 ईयर्स, क्या कहना चाहेंगी, व्हाट वाज द रीजन फॉर? आई थिंक जो चीज़ें डेस्टिन्ड होती है वो अपने समय से होती हैं. पिछले 10 साल से मैं परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ वहाँ सब कुछ, मगर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई थी. मुझे कोई ग्रोथ फील नहीं हो रहा था. नेचुरली फॉर मी फ्रॉम अ डांसर एक्टिंग वाज द नेक्स्ट स्टेप. एंड जब मैंने सोचा कि ठीक है अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एक्ट करना है, मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी एंड आई पिक इट अप एंड आई थिंक द ऑडियंस इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग इट. मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है एज एन एक्टर एंड आई विल अश्योर एंड आई प्रॉमिस यू दे आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर ऑफ मी इन द कमिंग टाइम. ओके, पैसा यू नो एक स्पेशल यू नो कॉन्सर्ट भी रखा गया था, कॉन्टेस्ट रखा गया था जी फैंस के लिए जी. तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपके फैंस के साथ? मतलब देयर वाज समथिंग न्यू दैट वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय मिस्टर राजीव रेड्डी एंड इट वाज अ रिस्क in a way, but he is always ready to take risks. I went with the idea, my synergies thi wahan pe, kyunki main bhi ye manti hu ki now that I'm working so much actively on social media, there are so many lakh people following me. Mujhe ichha ho rahi thi ki kyunki they are so positive, there's never a negative comment on my social media, they never troll me, wo mujhe pyar dete hain, encourage karte hain. Maine kaha I want to meet them personally, but I didn't know how this was going to happen. I mean, I told Mr. Rajiv Reddy about my wish, he said okay. He was like, you know, वो अलादीन का चिराग होता है ना, ओके ड्रीम कम ट्रू. तो उन्होंने कहा ठीक है, वील डू इट फॉर यू एंड हम उनको यहाँ नहीं बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे. आई थिंक इट इज समथिंग वी कैन डू फॉर देम. सो स्टार्टिंग विथ मुंबई एंड हियर दे आर, प्लीज कम, दीज आर, हियर वी आर, आई एम मीटिंग सम टुडे, कम कम कम, प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स. दिस इज विक्रम. Like I have got to know about Mr. the contest Reddy, on Instagram, please come. And today I'm here to meet Shefali Zariwala, and it was my dream to meet her actually, and today the dream came true. Thanks see, to the team. He's an engineer. I'm an engineer. Actually, all of them are engineers, Mr. Reddy. You know? No, actually, I'm not an engineer. I'm from commerce. Yeah, but commerce background, but he's working for an IT firm. So they are such. Come. Please introduce yourselves, Mr. Reddy. Come. Amazing evening. I think it was also today Baisakhi, it was really a fantastic evening. So I'm sure I think all these youngsters have got a great time. And abhi tak Shefali ne mereko meeting nahi bulaya. So no, thank you sir, you gave us the opportunity. So thank you. Country Club gave us the opportunity, right? Very good. I mean, Country Club is, I think, is there as a podium, as a platform for a lot of young people to fulfill their dreams. So I think this beginning has been made. Okay, Shefali को भी आपके साथ जुड़कर you know 10-11 years हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, I think she is one of the best performers. People love her, the audience loves her, Country Club members love her, and she's been a constant support to the brand Country Club. Thanks, sir. And yeah, that's about it. ओके शिफाली, आपने वेब स्पेस में यू नो कदम रख दिया है अब, और आपका एक नया वेब सीरीज बताना चाहेंगे अपने? डेफिनेटली, इट्स कॉल्ड बू, सबकी फटेगी. कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, समथिंग न्यू दैट इज़ बीन ट्राइड. आई थिंक इज़ द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन द वेब स्पेस. बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, बीइंग डायरेक्टेड बाय मिस्टर फराज सामजी, जिन्होंने अभी हाउसफुल 4 डायरेक्ट की है. और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है. वी हैव तुषार कपूर, वी हैव मलिका शेरावत, वी हैव कृष्णा, कीकू, माई सेल्फ,
Sanjay Mishra ji, Ashwini Kalsekar ji. So it's an ensemble cast and it is a laughing riot. We have just finished shooting, dubbing abhi khatam hui hai. Kafi VFX ka kaam hai and May we are expecting it to release. So Baby Kamna mein sabne bahut pyar diya tha, unko achha bhi laga tha. I hope isme bhi mujhe pyar. Okay, baat kare agar acting ki to kaise kitna enjoy kar rahi hain apna acting ka? So aapko sach bataun to my first acting stint main bahut zyada nervous thi. But I think I went with the flow. Co-stars, directors ne bahut support kiya. I saw myself on screen acting. I said, "Theek hai, not bad. We can get better than this." Abbu mein kiya maine. Mujhe acha laga. I hope audiences ko bhi acha laga. I feel a lot more confident now. Jab audiences pyar deti hain, to as an actor also you feel confident and you want to do better work. Okay, as a dancer, wapas aana chahenge? Always. Once a dancer, aapne aaj bhi dekha, dhol baje nahi ki mera dancing shuru ho gaya. So I'm always going to be a dancer. Main matlab, that will always be me. I'm always the kata laga girl. That will never change, and I love that. Thank you so much. Thank you. Yeah.